ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਸ ਕਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਏਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਸ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਨਾਬ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 16,000 ਆਪਣਾ 3 ਰੁਪਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਬਗੈਰ ਟੈਕਸਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਆਪਣਾ 11,000 ਅਤੇ ਆਪਣਾ 200 ਅਤੇ ਕੁਝ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। तकरीबन ये अंदर जिहड़ा ना वो टैक्स मिला के तो इस 11,200 तो कुछ रुपये बिल है जिहड़ा यूनिटां दा, तो अपना टैक्स जिहड़े ने मुख्तलिफ शामिल करके वो दो दो दफा दफा जिहड़ा ना एक ही टैक्स नूं जिहड़ा ना इहदे अंदर ऐड किया जाता है तो शामिल किया जाता है, तो 16,000 बिल बन गया। 5,000 तो जिहड़ा ना अपना कुछ कह लो कि घट अमाउंट जिहड़ी है ना वो इहदे अंदर शामिल की गई सिर्फ टैक्स की। अच्छा चलो ये तो सारा निज़ाम हो गया ना बिल ज़्यादा दा ते ओ जो भी मामलात ने अपना 2-3 दिन हो गए ने गया मैं बिल धरन वास्ते। सब नूं पहले मैनू काम सी अपने यूनी काउंसल के अंदर उत्थे साडा डाकखाना है, उत्थे मैं उन्होंने कहा भाएं बिल जिहड़ा ना इस नूं असां तारना है, तो उन्होंने कहा भाएं असीं बिल जिहड़ा ना यह नहीं लेंदे। मैं चलो ठीक है, उत्थों जनाब मैं निकलिया तो मैं चला गया बैंक के अंदर, तो बैंक ने भी जनाब मैनू यही जवाब दिता क्योंकि साढ़े इतने अपना जी कुल्लू वाले वो साढ़े कोल नज़दीक जिहड़ा तो वो ही साडे अपना डाकखाना साडी यूनियन काउंसल उत्थे ही सारे काम मामला जिहड़े ना वो असी करने आ। बैंक के अंदर पहले तो गए हैं उन्होंने जनाब यही जवाब दिता, अगर दूसरे बैंक के मैं हालात वेखे ने तो उसे तकरीबन जिहड़ा ना वो एक काफ़ी टाइम लग जाना सी मसलन के उन्होंने मैनू एंड ते यही जवाब देना सी। फिर मैं जनाब चला गया ईजी पैसे के जिहड़े वो बिल वगैरह अपना तार देने पे कर देने उन्होंने कोल चला गया वा, मैं भाएं बिल तो इस जिहड़ा ना तारना सा, तो उन्होंने बिल मैं जो दिता उन्हें पढ़ाया उन्हें कहा लियाओ जी बिल दवो। बिल उन्होंने वेख्या उन्हें कहा जनाब ये 15,000 तो उत्ते अमाउंट है तो ये असी नहीं तार सकते। मैं जनाब हूँ यदा हल की है एक तुम जो ना बैंक चले जाओ या मसलन के होर किसी जगह पर, मैं यार बैंक तो मैं हो के आ रहा वा डाकखाने तो मैं हो के आ रहा वा, उन्हें भी जोड़ा ना इस नहीं लिया यार असी, तो तुम्हें यदा हल मैं दसो कोई तरीका कर दसो। उन्हें कहा जनाब साढ़े को ईजी पैसा दे ना वो पैसे कराओ तो बिल जो खुद तार लो। मैं सोची पै गया मैं यार हूँ इन्हों पहला मैं ईजी पैसा दे 160 रुपये उन्हें मेरे को मंगे जनाब 16,000 दे अकाउंट के पैसे कर दे। मैं ठीक है चलो यार सोच सोच के मैं हूँ उ भी नहीं हो रहा चलो हूँ रुपये डे 160 रुपये ने तो लाख तो अपना इस तारना तो है ना किसी तरीके, तो मैं जनाब वो बिल जिहड़ा उत्थे अपना उन्होंने कहा तो उन्होंने मैनू उन्होंने जनाब मेरे अकाउंट के अंदर पैसे कर दिए 160 रुपये उन्होंने मैं पे कर दिए, तो 16,000 रुपया जिहड़ा ना वो मैं अपने अकाउंट के अंदर करा लिया। तो क्योंकि पहले भी अपना 20 रुपये जिहड़े ने वो मेरे अकाउंट के अंदर मौजूद सन पहला भी, तो मैं चलो यार 16,000 रुपये बिल जिहड़ा मेरा वो तर जाएगा। तो वो जो मैं मैसेज आया पहला 16,000 का, फिर मैसेज आया जना 15,000 तो कुछ, मैं उन्होंने भी कहा मैं यार पैसे तो घट आए हैं, तो उन्हें चैक किया उन्हें कहा नहीं जनाब कंपनी वाले ने जिहड़ा ना वो तकरीबन 100 रुपये के अगे पिछे जिहड़ा ना वो कट ले, तो वो बिल जिहड़ा मैं तारिया मैनू तकरीबन 161 ते 100 रुपया 260 रुपये लग के, तो मेरा जिहड़ा ना वो एक बिल तरिया कि ना इहनू जनाब वो डाकखाने वाले लै तार रहे ने ना इसनू जिहड़ा ना वो कोई बैंक वाला मंजूर करता पे एक पैसे भी दे रहे हैं सारा कुछ ही हाँ, तो मसलन कि डेट एक्सपायर हुई उत्थे हो गई हो डेट दे दिन फिर कोई मसला है ना, तो दसो यार ये कौन साडा वाली वार से कौन साडी गल सुनेगा, तो लिहाजा जिहड़ी है ना ये गल 250 रुपये या 260 रुपये की गल नहीं है। एक तुसीं देखो एक अगे ही गरीब बंदा जिहड़ा ना ये तो वो जनाब ये 16,000 रुपया बिल उसके उत्ते किसने उन्होंने वो टैक्स अदा अपना कर दिते तो किन्ने मामलात ने, एक गरीब बंदा जिहड़ा अपना 1,000 रुपये दिहाड़ी लाता है, एक गरीब बंदा जिहड़ा 500 रुपये दिहाड़ी लाता है, गरीब बंदा जिहड़ा जनाब इस तों भी घट कमाता है, तो वह पूरा हफ्ता भी उहदा जिहड़ा ना वो नहीं लगता, वो किस तरह इन चीज़ों मैनेज करेगा, किस तरह जिहड़ा ना वो गुजारा करेगा, किस तरह अपने बच्चों की जिहड़े ना वो पेट की जिहड़ी भूख उसनों मिटाएगा या ये सारे मामला देखेगा। तो लिहाजा जिहड़ा ना तुहाडे नाल भी मेरा एक पैगाम ही है, तो लिहाजा जिहड़ा ना वो इस इन चीज़ों जिहड़ा ना सोचिया करो।